हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एनसीईआरटी क्लास 12 की चैप्टर 15 जिसका हेडिंग है बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बायोडायवर्सिटी कहने का मतलब यह हुआ, बायो मीन्स जीव और डायवर्सिटी मीन्स विविधता, मतलब हमारे आसपास ही अगर हम देखें तो जीव कहने का मतलब यह हुआ कि प्लांट्स एंड एनिमल्स में विविधता पाई जाती है। जितने भी अगर एक स्पेसीज के ही कोई जानवर हैं या प्लांट्स हैं तो उनमें विविधता हमें नजर आती है, लेकिन अभी जो डेवलपमेंट वर्क है या विभिन्न जो क्रियाकलाप जो चल रहे हैं हमारे आसपास, उसके कारण इनका हर समय कुछ न कुछ वो डिप्लीशन की ओर जा रहे हैं, उनकी संख्या कम होते जा रही है और कुछ एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। इसलिए उनका कंजर्वेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका संरक्षण करना है। इसलिए यदि अगर हम बायोडायवर्सिटी को यह भी लें, क्योंकि कंजर्वेशन को बाद में हम डील करेंगे, अगर बायोडायवर्सिटी ही लें तो हम देखेंगे कि हमारे आसपास भी, अगर बीटल्स की ही लें हम लोग, बीटल्स को ही लें तो बीटल्स की संख्या हम अगर देखेंगे तो 30,000 बीटल्स, 30,000 टाइप्स ऑफ बीटल्स मिलते हैं। अगर हम देखें ऑर्किड्स, जिनके फूल बहुत अच्छे होते हैं, ऑर्किड्स अगर हम देखें तो उनकी संख्या 20,000 है केवल ऑर्किड्स की ही। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि बायोडायवर्सिटी वर्ड किसने कॉइन किया? एडवर्ड विल्सन। एडवर्ड विल्सन ने इस टर्म को क्वाइन किया था, बायोडायवर्सिटी वर्ड। ये जब पूछा जाता है कि बायोडायवर्सिटी वर्ड किनके द्वारा क्वाइन किया गया, तो ये बायोडायवर्सिटी हम लोग जान गए कि बायोडायवर्सिटी जो वर्ड है वो एडवर्ड विल्सन के द्वारा क्वाइन किया गया था। लेकिन यदि अगर हम देखना चाहें तो आखिर बायोडायवर्सिटी का एक तरह से टाइप्स कितने प्रकार के हैं, तो हम इसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट में जेनेटिक डाइवर्सिटी, सेकेंड स्पेसीज, diversity and third ecological diversity। first अभी हम discuss करेंगे genetic diversity। जेनेटिक वर्ड से ही हम यदि इसको समझना चाहें तो इसका मतलब है जीन। हम इस पार्ट को अलग कर रहे हैं कि मतलब एक स्पेसीज है तो वो जेनेटिक मतलब उसके जीन लेवल पर भी उसमें समानता नहीं है, हर जीन लेवल पर उसमें कुछ न कुछ भिन्नताएं पाई जाती हैं। इसलिए हम इसको यदि जीवों को देखें एक ही स्पेसीज में देखें तो वो हमें जेनेटिक लेवल पर उनमें डिफरेंस पाया जाएगा। जैसे रोल्फिया वोमिटोरी एक
प्लांट है रोल्फिया भूमिटोरिया जो कि हिमालयन रेंज में पाया जाता है। ये पूछा जाता है हिमालयन रेंजेस में पाया जाता है जो हमारा हमारे देश के उत्तरी भाग में जो हिमालय है जो कश्मीर से लेकर जो फैला हुआ है असम अरुणाचल प्रदेश तक मणिपुर ये सारे जगह जितने भी ये पाए जाते हैं रोल्फिया भूमिटोरिया इसमें पोटेंशियल लेवल की कमी ज्यादा हमें पाई जाती है। इसमें इस पौधे में एक जो इंपॉर्टेंट है रिसरपाइन एक केमिकल पाया जाता है रिसरपाइन। आखिर ये रिसरपाइन का इस्तेमाल क्या है अक्सर पूछा जाता है। ये इसका इस्तेमाल होता है हाई ब्लड प्रेशर की हाई ब्लड प्रेशर की दवा बनाने में काम आती है। ये पूछा जाता है कि रोल्फिया भूमिटोरिया कहां पाया जाता है इसमें कौन से तत्व मौजूद हैं और इसका इस्तेमाल